और उसके बाद दिल्ली जो है वो भी बारिश की चपेट में आया और यहां के जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है, पानी जगह जगह जमा हुआ है और हमने देखा किस तरह से एक केंद्र की सरकार है, भारतीय सेना है, एलजी साहब का ऑफिस है, एनडीआरएफ की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की 18 टीमें आज जगह जगह दिल्ली के नागरिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले भ्रष्टाचारी धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय सेना को, एनडीआरएफ की टीम को, तमाम ऐसे नागरिक हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का यह निश्चय है कि हम जनता के साथ खड़े हैं और उचित कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज हैं। अब यह भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज हैं। बहानेबाज क्यों कहा जा रहा है ये समझने की आवश्यकता है। बहुत दुख होता है कि अगर एलजी साहब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बिठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री ही दोषारोपण करते हैं और एनडीआरएफ को भी नहीं बख्शते हैं और अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।